अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाकिस्तान से मैं हूं फैसल। आप लोग देख रहे हैं फैसल वाणी क्रिकेट शो। इंडियन क्रिकेट टीम के सारे प्लेयर्स हो जाएं तैयार, क्योंकि उनको मिलने वाला है एक नया उस्ताद। उस्ताद कोच जो नया मिलने वाला है वो पिछले कोचेस से बड़ा डिफरेंट होने वाला है, क्योंकि इंडियन टीम का माहौल मुझे लगता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। गौतम गंभीर, जो कि अभी रिसेंटली कल रात को उन्होंने केकेआर को एज ए मेंटोर अपनी थर्ड आईपीएल ट्रॉफी जितवाई है, अब उनका नाम जो है सबसे ऊपर आ रहा है कि वो इंडियन टीम के कोच बनने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने एक कंडीशन रखी है, अगर वो कंडीशन बीसीसीआई फिल करता है और वो मान जाता है तो अपनी जो है वो फाइल सबमिट करवाएंगे और इंडियन टीम के नए कोच जो गौतम गंभीर ही होते नजर आएंगे। इससे पहले रिकी पॉन्टिंग को अप्रोच किया था बीसीसीआई ने, उनको भी कहा था कि अपनी फाइल सबमिट करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। जस्टिन लेंगे का नाम आ रहा था, वीवीएस लक्ष्मण का नाम आ रहा था, स्टीवन फ्लेमिंग का नाम आ रहा था, लेकिन वो नाम सब पीछे हो गए। अब कल की जीत के बाद गौतम गंभीर तो है मेन कंटेंडर, बने ही बने हैं, लेकिन इंडियन क्रिकेट टीम का जो माहौल है, जिस तरह की वो कोचिंग पिछले 3-4 साल से उनको देख रहे हैं, वो माहौल थोड़ा चेंज हो जाएगा, क्योंकि राहुल द्रविड़ और रवि शास्त्री से कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी है गौतम गंभीर की। थोड़ा सा गुस्सा है, थोड़े खड़ूस है। खड़ूस मैं इस सेंस में करूंगा कि हम आप जब बचपन में हम स्कूल जाते थे तो हमें एक टीचर होता था ना कि यार, जिसका हम कहते थे ये सारे पीरियड यही करिए, बड़ा अच्छा टीचर है जिससे पढ़ के मजा आता था। और एक होता था खड़ूस, पढ़ाने में बड़ा अच्छा होता था लेकिन वो हंसता नहीं था, वो स्ट्रिक्ट था। तो ये खड़ूस किस्म के एक नए टीचर आने वाले इंडिया के पास इंडियन टीम के साथ, क्योंकि जो माहौल रवि शास्त्री ने बनाया हुआ था, द वॉल राहुल द्रविड़ ने बनाया हुआ था, वो चेंज होने वाला है। राहुल द्रविड़ तो पिछले दिनों जब से कोच थे वो नजर नहीं आते, सिर्फ अपना काम करते थे, साइड में बैठ के अपना काम करते रहते थे। रवि शास्त्री जब कोच थे तो रवि शास्त्री ने जो माहौल बनाया हुआ था, एक दोस्ती यारी वाला माहौल था, टीममेट्स के साथ उनकी अच्छी बॉन्डिंग थी, क्योंकि वो खुद भी एक लाइवली किस्म की पर्सनैलिटी थी, तो एक उन्होंने अपना दूसरा माहौल बनाया हुआ था। लेकिन अब जब गौतम गंभीर कोच बनेंगे तो टीम का माहौल चेंज होने वाला है, और उन्होंने जो कंडीशन रखी है वो आते साथ ही जो कंडीशन मीडिया पे आ रही है वो ये चाह रहे हैं कि सिलेक्शन में उनको पूरा पूरा उनका जो है उनको अपनी से चाहिए, और जब टीम सिलेक्ट की जाएगी कप्तान के साथ कोच की भी उतनी ही से मानी जाएगी, और अपनी मर्जी के प्लेयर्स वो इंक्लूड करने जाते हैं। इसका मतलब है कि नए प्लेयर्स देखने को मिलेंगे, बड़े नाम शायद गौतम गंभीर जिस तरह की नेचर से हैं, तो इंडियन टीम का स्ट्रक्चर आपको चेंज होता नजर आए, बड़े नाम आपको साइड पे होते नजर आए। गौतम गंभीर आपको पता ही कि 2 बार इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुका है, 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप और 2007 का टी20 वर्ल्ड कप। दोनों में जो गौतम गंभीर की परफॉर्मेंस थी वो जबरदस्त थी, टॉप स्कोरर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको मैन ऑफ द मैच नहीं मिला था, और इस चीज का वो गिला मीडिया शो में अक्सर करते हुए नजर आए हैं और ओपनली करते नजर आए हैं, और इस चीज का गिला तो उनको है कि किया स्कोर उन्होंने था, मैन ऑफ द मैच उनको नहीं दिया गया, धोनी होती रही। तो अब जब वो कोच बनेंगे तो इस चीज का गुस्सा तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि अब जो प्लेयर्स होंगे उनके साथ कुछ ऐसे प्लेयर्स होंगे जो कि काफी सीरियस प्लेयर होंगे, तो उनके साथ कैसा हैंडल करेंगे। हो सकता है कि वर्ल्ड कप के बाद जब गौतम गंभीर आए तो विराट कोहली की छुट्टी हो जाए, रोहित शर्मा की भी छुट्टी हो जाए और एक नई लुक की टीम आपको नजर आ जाए, लेकिन ये अगर होगी तो सिर्फ और सिर्फ टी20 क्रिकेट में होगी। ओडीआई क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट में तो आपकी टीम सीनियर प्लेयर्स के साथ ही जाएगी, चैंपियंस ट्रॉफी आने वाली है, फिर आईसीसी जो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है या उनका जो सर्कल चल रहा है वो चल रहा है, उसमें तो मेन प्लेयर्स खेलेंगे। अगर टी20 में चेंज होगा भी तो मेन प्लेयर्स को ओडीआई क्रिकेट में और टेस्ट क्रिकेट में गौतम गंभीर कैसे हैंडल करेंगे ये चीज देखने वाली होगी, क्योंकि बाय नेचर वो थोड़े गुस्से के तेज है। वो कहते हैं ना कि इनको हंसाना मुश्किल ही ना मुमकिन है, कल जिस तरीके से थर्ड जो ट्रॉफी उठाई है उस मौके पे भी बड़ा मुश्किल से उनको हंसाना पड़ा था। एक कमेंट्री पैनल ने थोड़ी पूरी कमेंट्री की कि हंस दे यार, फिर जाके उनके चेहरे पे एक हंसी आई, तो हंसाना बड़ा मुश्किल है। एक बाय नेचर थोड़े से ना गौतम गंभीर थोड़े सीरियस पर्सन है या अपने काम से काम रखने वाले हैं, तो जिस तरह मैंने बात की है लाइटर सेंस में बात करूं कि खड़ूस किस्म के इंसान है, तो इनको हंसाना, इनके साथ थोड़ा सा रिलेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। एक ऐसे बंदे हैं जिनको हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए इनका कोच बनना कैसा रहेगा, पाकिस्तान के लिए कोच बनना थोड़ा सा, क्योंकि इनके रिलेशनशिप आपको पता है पॉलिटिक्स में भी रहे हैं, बीजेपी के भी मेंबर रहे हैं, उनके साथ शायद लोकसभा के मेंबर भी रहे हैं, तो ये बीजेपी का पार्ट है, तो उस हिसाब से पाकिस्तान के साथ अब इनके कैसे रिलेशन रहते हैं, क्योंकि जब जो एशिया कप में इन्होंने कमेंट्री की थी तब तो इनका जेस्टर अच्छा था पाकिस्तानी कमेंटेटर की तरफ, क्योंकि वसीम अकरम वहां पर थे, वकार यूनुस वहां पर थे, तो भाई भाई करके बात कर रहे थे। अब जब कोच बनेंगे तो इनका सेह तो नहीं होगा क्रिकेट बोर्ड के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने के हवाले से, पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज जिस तरह बात हो रही है कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने आना है, और पाकिस्तान के साथ अगर ये कोच बन के आते हैं और इनको ट्रैवल करना पड़ता है, फिर इनसे अगर राय मांगी जाती है तो शायद वहां पर थोड़ी सी अपनी डिफरेंट राय दे सकते हैं, और जिस तरह का इनका स्टांस पीछे भी रहा है अपनी टीम के हवाले से, तो वहां पर पाकिस्तान की थोड़ी मुश्किलें हो सकती है। अच्छा, गौतम गंभीर खुद तो
थोड़े गुस्से वाले हैं, लेकिन एज ए प्लेयर जब उनके साथ इंडियन टीम खेल रही होगी तो उनको प्लेयर्स को ही पता होगा कि अगर हम किसी टीम के साथ लड़ रहे हैं तो हमारा कोच हमारे साथ पीछे लड़ रहा है। क्योंकि जिस तरह हम आईपीएल में लगातार देखते आते हैं कि जब कोई फाइट वगैरह होती है तो बिल्कुल इन्वॉल्व होते हैं अपनी टीम के साथ और अपनी टीम को फुल सपोर्ट कर रहे होते हैं और लड़ाई भी लड़ देते हैं, और ऐसा लगता ही नहीं कि वो एज ए प्लेयर नहीं खेल रहे, वो मैदान में कूद जाते हैं। तो ये चीज बेनिफिट भी है, अगर वो थोड़ा गुस्से के तेज है तो प्लेयर्स को भी पता होगा कि हम कहीं फंसेंगे या हमारे पीछे एक प्लेयर ऐसा खड़ा है कि हमारे लिए लड़ेगा, हमारे लिए फाइट करेगा। और टीम के साथ उनकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो आईपीएल में मैंने देखी है एज ए कोच और एज ए मेंटोर, तो वो तो 100% देते हैं, 110% देते हैं। और केकेआर के साथ जिस तरह वो इन्वॉल्व थे इस सीजन में वो देखने में तो अच्छा लग रहा था। और देखिए अगर ऐसा परफॉर्म कर दें और टीम को अपनी ट्रॉफी जिता दें, क्योंकि आपको पता है कि गौतम गंभीर के जाने के बाद अभी तक शायद दो जो चैंपियंस ट्रॉफी उसमें गौतम गंभीर थे या नहीं थे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं पड़ता, लेकिन उससे पहले 2011 का वर्ल्ड कप और 2007 का वर्ल्ड कप वो गौतम गंभीर के होते हुए जीता था। उसके बाद से इंडिया आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीता है 10 से ऑलमोस्ट आप कह लो कि 10 साल या 11 साल हो गए हैं, आईसीसी ट्रॉफी कोई नहीं जीता और गौतम गंभीर जो है वो ट्रॉफीज जीतने उनको आती हैं और एज ए मेंटोर उन्होंने रिसेंटली एक केकेआर को ट्रॉफी जितवा दी है। तो आईसीसी ट्रॉफी जीतना गौतम गंभीर के आने से ये इंडिया के लिए कितना आसान हो जाएगा या जीत पाएंगे, क्योंकि एक फॉर्चून भी तो होती है एक बंदे की। देखिए एक बार लगातार उसने दो बार एक टीम का हिस्सा था, दो ट्रॉफी जिता दी, ठीक है वो टीम एमएस धोनी की थी, टीम को नहीं आ रही थी, एमएस धोनी की कप्तानी थी, लेकिन गौतम गंभीर ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे। अगर वो इस चीज पे गिला करते हैं कि यार मेरा नाम क्यों नहीं लिया जाता, तो मेरे लगता है कि उनके साथ वाकई ज्यादती होती है। दोनों बार उन्होंने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, जो जो फाइनल था अगेंस्ट श्रीलंका 2011 का उसमें भी बड़ी जबरदस्त इनिंग थी, अगर वहां पर वो आउट होते तो इंडियन टीम प्रेशर में आ सकती थी। उससे पहले जो पाकिस्तान के साथ मैच था 2007 का उसमें भी गौतम गंभीर ने रन बनाए थे, तो वहां पर उनकी थोड़ी सी ये बात लॉजिकल भी है, बहुत बात जायज भी है कि उनका नाम क्यों नहीं लिया जाता, उनको खुल के क्यों नहीं अप्रिशिएट किया जाता कि इनकी वजह से हम मैच जीते हैं। ये अगर उनका गिला थोड़ा जायज भी है, लेकिन अब जब इंडियन टीम के वो कोच बन जाएंगे तो हो सकता है कि फॉर्च्यून अपनी साथ ले गए हैं, जो उनकी ट्रॉफी जीतने वाला उनके अंदर एक कह लो कि एक कहते हैं शनि भी उनके साथ होती है, तो हो सकता है वो भी उनके साथ आए और दोबारा से इंडियन टीम को एक ट्रॉफी की तरफ ले जाए। क्योंकि रवि शास्त्री तो ये काम नहीं कर पाए गैरी कस्टन के बाद, क्या ये जो है राहुल द्रविड़ तो ये काम नहीं कर पाए, उससे पहले अगर कोचेज आए तो वो तो ये काम नहीं कर पाए, तो हो सकता है गौतम गंभीर ने ही काम करना हो, गौतम गंभीर के सर ये सहरा सजना हो, और जिस तरीके से वो कहते हैं उनके गिले भी शायद इस तरीके से दूर होने हो कि कोई आईसीसी ट्रॉफी इंडिया के खाते में जाए तो वो खुल के हंस सके, जो उनकी हंसी बंद हुई है ना, शायद जब आईसीसी ट्रॉफी उनको मिले इंडिया की तरफ से एज ए कोच वो ट्रॉफी उठाए तो शायद उनको खिलखिला के हंसे। एक मूवी में भी ऐसा होता है ना कि हंसी बंदे की बंद होती है और हंसी जब खुलती है तो किसी वजह से खुलती है। इंडियन टीम में अक्सर मैंने देखा है एक खड़ूस से कोच वो भी थे, शाहरुख खान भी एक कोच बने थे हॉकी का, शायद वो कप था जिसमें वो हंसते ही नहीं है, तो उसी तरह का कोई मामला होने वाला है कि अपना गुस्सा अपना पुराना रंज अब जब ट्रॉफी इंडिया जीते तो शायद वो निकले और दोबारा हंसी की तरफ आए और जिंदगी तरफ वापस आए और नॉर्मल जिंदगी अपनी गुजारे गौतम गंभीर। तो हंसा करे खेला करे गौतम गंभीर, इतना आप ना परेशान रहा करें। जिस तरह आपकी वीडियोज आती है, वीडियोज हम देखते हैं तो काफी ज्यादा हम देखते हैं कि इतनी परेशानी क्यों है, जब अच्छा करे तब भी आप हंसने रहे होते हैं, जब बुरा करे तब भी आप गुस्से में होते हैं, जब कुछ भी ना करे तब भी आप सीरियस बैठे होते हैं, तो थोड़ा हंस लिया करे यार, जिंदगी है 4 दिन की जिंदगी है, एंजॉय कर ले। तो थोड़ा सा अपने आप में थोड़ी सी लाइवनेस लाए, क्योंकि आपने इंडियन टीम का हिस्सा बना है और इंडियन टीम में भी काफी सुपरस्टार आपके साथ होने वाले हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप एक बड़ा नाम है और आपके छोटे नाम होंगे, इंडियन टीम के साथ जो भी खेलता है वो एक बड़ा नाम होता है, तो आपस में कैसी बाउंडिंग होगी इनकी, ये देखने वाला एक माहौल होगा जब ये कोच बन जाएंगे। आपको आप अपनी राय का कमेंट्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर कैसे कप्तान कैसे कोच रहेंगे इंडियन क्रिकेट टीम के। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।